सुमेरपुर गौरव यात्रा में 25,000 लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य। 30 अगस्त को गौरव यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। सुमेरपुर 25 अगस्त सुमेरपुर में भाजपा सरकार की राजस्थान गौरव यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। आगामी 30 अगस्त को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में करेगी आमजन को संबोधित। भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, विधायक मदन राठौड़ और भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं उपखंड प्रशासन भी गौरव यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। गौरव यात्रा को लेकर विधायक मदन राठौड़ ने पार्टी कार्यकर्ता एवं उपखंड प्रशासन को आश्वासन आवश्यक निर्देश देते हुए पूरे मैदान सहित पार्किंग व्यवस्था के लिए भी स्थानों को चिन्हित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा ने बताया कि गौरव यात्रा में भाग लेने के लिए करीब 30,000 लोगों का लक्ष्य है, लेकिन उससे काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि इन 60 वर्षों के मुकाबले 4 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, इन कार्यों को देखते हुए लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, जो हमारे लक्ष्य से ऊपर लोगों की भीड़ एकत्रित होगी। शनिवार दोपहर को भाजपा के सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ एवं भाजपा जिला अध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मल्होत्रा, तहसीलदार नरेश कुमार सोनी, सुमेरपुर पुलिस उप अधीक्षक कांसी भाटी, सुमेरपुर प्रधान राजेंद्र सिंह कोलीवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमार, अधिशासी अधिकारी ओम मिश्रा, सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता रमेश परिहार सहित भाजपा कार्यकर्ता शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान में मौजूद थे। राजस्थान गौरव यात्रा पाली जिले में 19 तारीख को प्रवेश करेगी और जैतरण से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे जिले में कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। हम जनता के बीच में चुनाव मैनिफेस्टो के माध्यम से हम जो जो वादे करके गए थे लगभग 100% हमने पूरे किए, और इस दृष्टि से हम राजस्थान गौरव यात्रा लेके आ रहे हैं। और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में 29 तारीख को जैतरण से कार्यक्रम शुरू होगा। जैतरण में आम सभा होगी, उसके बाद में सोजत में आम सभा होगी, और सोजत के बाद में बागावास, उसके बाद जाडन, दो जगह स्वागत है। फिर पाली में आम सभा, उसके बाद में कीरवा, गुंदूज, झोला और सांडेराम में स्वागत रखा गया है, और उसके बाद बाली और फालना में भी स्वागत रहेगा। सुमेरपुर में कितने कार्यकर्ता आने की